बाबा मुनियों ने कहा है कि राधा कृष्ण के बस राधा कृष्ण ऐसे नहीं कि प्यार नहीं करेंगे, प्यार करेंगे जाके पहनेंगे, तो उनका प्यार कौन से संबंध का होगा, भाई भाई का रहेगा क्या, भाई बहन का रहेगा, और झांकी पहनना इसका मतलब क्या है, भाई बहन यहाँ नहीं बाकी पहनते हैं इस दुनिया में, बाकी पहनना माने यूँ गले लगना, तो जैसे यहाँ गले लगते हैं भाई बहन वहाँ भी गले लगेंगे, विकारी भाव नहीं होगा, विकारी इंद्रियों का भाव नहीं होगा। गर्मी और निश्चित दूरी कम हो गई है सूरज से, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी भी तो बहुत हो रही है, है? तो फिर भी 6 महीने ऐसे झुकी हुई रहती है, तो ऊपर कर्क रेखा के ऊपर किरणें पड़ती है तो गर्मी हो जाती है, फिर इस तरफ झुकती है तो जो मकर रेखा है नीचे की ओर वहां गर्मी हो जाती है, तो सूर्य के हिसाब से गर्मी सर्दी बनती रहती है देशों के हिसाब से। इस समय तो बाबा हमें ज्ञान है उससे भरपूर करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, तो अंत समय तक यह हमें सौभाग्य मिलेगा। जब जल्दी जल्दी आते हैं तो जल्दी जल्दी भर लेना चाहिए हाँ? अंत के लिए क्यों छोड़ना है? अंत के लिए छोड़ना जरूरी है, संगम युग का बाबा साथ देना अंत तक। हाँ संगम युग में साथ तो है लेकिन अंत तक साथ किसके रहेंगे? जो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते रहेंगे उनके साथ रहेंगे या ध्यान देंगे उनके साथ रहेंगे? है ध्यान देंगे। अभी पूना वाले ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और माना यह है कि एक देवता ऐसा है जो देवताओं को भी उठाता है और असुरों को भी उठाता है, ऐसे नहीं है देवताओं को ही आगे बढ़ाता रहे, दाएं भी बजता है और बाएं भी बजता है, विष्णु देवता ऐसा है जो सिर्फ देवताओं को ही उठाता है असुरों को नहीं उठाता है, तो कौन विष्णु कल्याणकारी हुआ और कौन भारत कल्याणकारी हुआ? बाप हुआ विश्व कल्याणकारी, सिर्फ भारतवासियों का ही कल्याण नहीं करना है सारे विश्व का कल्याण करना है। बाबा आठ में जो आते हैं उनके विषय नहीं और उनका साथ वो आत्मानी के लिए कौन सा है? आत्म साथी आठ है ना, उनमें जो आते हैं कौन सा खास पुरुषार्थ कौन सा है? लास्ट परीक्षा क्या है? तो वो नस्य मुआ की परीक्षा में शुरुआत से ही टीके होंगे, जब परीक्षा ही हमें मालूम है कि ये फर्स्ट परीक्षा है लास्ट परीक्षा, तो परीक्षा में पहले से ही उनके लंबे समय की पुरुषार्थ की रग पड़ी हुई होगी क्या? देह के संबंधी और देह के पदार्थों में उनकी रग दिखाई नहीं, पुरुषार्थी जीवन में नहीं दिखाई देगी। और फाइनल में बाबा ने बोला कि इक्कीस से दैत्य पैदा होते हैं, तो 76 में जो बाबा के साथ थे प्रत्यक्ष करने वाले दैत्य हैं, तो वहाँ पे दीदी किसको बोला है? यज्ञ के आदि में भी बाबा से विशेष रूप से जुड़ जाने वाली कोई भंगी ना आती थी और बाबा से आते ही गले लग जाती थी।
उसको कोई प्रकार का मान अपमान नहीं था। बाद में जब परीक्षा हुई, उसके घर परिवार वाले आए तो डसर हो गई। इसको क्या कहेंगे, पूर्व जन्मों का लगाव। या भगवान से लगाओ, पूर्व जन्मों में ऐसी ऐसी आत्माओं से लगाव था कि जो नजदीक आई तो उनके प्रभाव में चली गई। ऐसे ही वो तो थोड़े समय का पार्ट था, थोड़े समय पार्ट बजाया और फिर चली गई। ऐसे ही मम्मा आई, मम्मा थोड़े समय में चली गई या लंबे समय तक पार्ट बजाने के बाद गई। लंबे समय तक पार्ट बजाया, परंतु देह का जो विघ्न आया उस देह के विघ्न में क्रास नहीं कर पाई और चली गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जगदम्बा का पार्ट है। क्या आदमी आती है तो बहुत पावरफुल स्टेज में दिल्ली की माताएं पुश करके आगे बढ़ाती है, फोर्सफुली आगे बढ़ती है। बाप कहते हैं जो एक कदम बढ़ाता है मैं 100 कदम आगे आकर के मदद देता हूँ। तो पहली पहली हिम्मत जगदम्बा ने की, वो हिम्मत करने के बाद फिर इतनी आत्माएं बैठी हुई है, तो बहुत भाग्य बन गया ना। इसलिए बोला है अव्यक्त वाणी में कि दिल्ली वालों ने जो शुरुआत में बीज डाला वो ऐसे टाइम पर बीज डाला है कि आज से लेकर के अंत तक फल देता है। फल तो देता है, देगा। दिल्ली वालों को उठाने के लिए बाप दादा बांधा हुआ है, लेकिन उठने वाला उठने के लिए तैयार होगा तब ही ना। एक कदम हिम्मत का बच्चे का और 100 कदम बाप का। तो 21 जन्मों की शूटिंग तो बढ़िया। उसके बाद जैसे ही द्वापर युग की शूटिंग होती है तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा भी सूर्य और सूर्यवंशियों से बिछड़ने के बाद किनके प्रभाव में आ गया है? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो भी बच्चे थे उनके प्रभाव में आ गया। और फिर ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है जगदम्बा में, एडवांस पार्टी में उसका भी यही हाल होता है। चढ़ते हैं तो तेजी से चढ़ते हैं और गिरते हैं तो उनके प्रभाव में आ गई। तो सन 76 में जो दूसरे धर्म की आत्माएं थी वो किससे प्रभावित होकर के बिखर गई? है 76 में जो आत्मा निकली है महाकाली। महाकाली कहते हैं अनेकों के साथ काली बनने वाली, और काली अनेकों के साथ नहीं लेकिन फिर भी गिनती कला तो हुई। तो वो जितने भी निकले सहयोगी वो सारे उसके प्रभाव में आ गए और गिनती कला में गए। ऐसे यहाँ एडवांस पार्टी में
वो दोनों शक्तियां मिलकर के जब एक हो जाएंगी तो महाकाली का विकराल रूप एडवांस पार्टी को धराशाई कर देगा। कितने बचेंगे हैं? नंबर बार 8 है, 108 बचेंगे और सारे सब खलास होने वाले हैं। प्रश्न का जवाब मिला? क्या मिला? दिल्ली का प्रधान तो कहा है, देश का प्रधान ऐसा कहा है बाबा ने? सब तो कहा है, नहीं है, डूब नहीं सकती, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भले दिल्ली कब्रिस्तान बन जाएगी, कब्रिस्तान बनने के बावजूद भी दुनिया की नज़र दिल्ली के ऊपर है और बाप की नज़र भी दिल्ली पर है। लेकिन अंत में बाबा ने कहा है कि बाबा 108 मंत्रों द्वारा अहमदाबाद में सब राज्य शासक चलाएगा, अहमदाबाद में न कि दिल्ली में, ऐसा मूल में मैंने पढ़ा है। माँ घर संभालेगी और बाप बाहर संभालेगा। आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, उनको आतंकवादी कहा जाता है। पंजाब हरियाणा में उनका आक्रमण होता है पहले, क्योंकि पाकिस्तान नजदीक है। पंजाब का व्यवस्था संजय है, 5 नदियां हैं, उनकी आबरू है। विदेशियों को जो भी आक्रमण हुए हैं वो किस साइड से हुए? पंजाब की साइड से हुए। पंजाब ने पहले मुकाबला किया। नो भी सहकाल माने साकार विष्णु, साकार बीज का ही कथा कर दी। 593 में अच्छा, जो ऊपर से आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, वो है निराकारी बीज। जैसे शिव आता है सनातन धर्म की स्थापना करने, तो कौन सा बीज हुआ? सूक्ष्म बीज है, और वो जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार बीज। ऐसे ही ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं, वो है निराकारी स्टेज वाले, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है साकारी, और उस साकारी को जन्म देने वाला वो हुआ उनका बीज बाप। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन ही दिन होता है, रात होती नहीं, तो ऐसे ही पृथ्वी की धुरी भारत की स्थान से इस तरह घूमेगी जहाँ सदैव रोशनी ही रोशनी रहेगी, 2500 साल तक अंधेरा होगा ही नहीं। एक मिसाल अभी भी कायम है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की धुरी जब सूर्य की तरफ घूमी हुई होती है तो उत्तरी ध्रुव पर दिन ही दिन रहता है 6 महीने, और पृथ्वी की धुरी ऐसी हो जाती है, दक्षिणी भाग जब सूर्य की तरफ झुक जाता है तो 6 महीने वहाँ भी दिन रहता है, उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहता है 6 महीने।
हवा हर मुरली में कहा जाता है ना कि बाप के समझ पर नहीं चलोगे तो वहाँ प्रजा बनना पड़ेगा, विपरीत कार्य किया तो प्रजा में आएंगे, लेकिन सत्ययुग और त्रेता युग में सब आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो आत्मिक स्थिति में होते तो भगवान का तो कोई ध्यान ही नहीं होता है, तो कोई बड़ा कोई छोटा वहाँ कैसे होता है? जो बड़ा छोटा है वो यहाँ संगम युग में देखने में आएगा, सत्ययुग त्रेता में भी होगा, लेकिन सत्ययुग के आज के जन्म में छोटा बड़ा उतना महसूस नहीं होगा। जब आठ कलाएं कम हो जाएंगी तो छोटे बड़े भी महसूस होते रहेंगे, क्योंकि देवान आठ कला गिर जाएगा त्रेता में भी, सत्ययुग के अंत में भी दो कलाएं कम हो जाती हैं, सत्ययुग के आज में जो भी सत्ययुग में आत्मा होंगी वो सब अनुशासन के अंदर रहने वाली, माने पक्की आत्म की स्थिति में रहने वाली, 16 कला संपूर्ण आत्मा, इसलिए वहाँ कंट्रोल करने की कोई बात होती नहीं, इसलिए चित्रों में लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है और राम सीता को बैठे हुए गद्दी में बैठे हुए दिखाया है, छत्र छाया दिखाई हुई है, माने वो कंट्रोलर के रूप में दिखाए गए हैं, सत्य को कोई कंट्रोल करने की बात है ही नहीं। बाबा तो ज्ञानी तो आत्मा ज्यादा प्रिय है क्या, योगी तो आत्मा ज्यादा प्रिय? योगी माना प्यार करने वाले, लेकिन अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो आज प्यार कर रहे हैं, प्यार का दिखावा कर रहे हैं, कल फां हो जाएंगे, क्योंकि बाप है अड़वंगा पार्ट बजाने वाला। शिव बाप शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, नंबर बार समझने वाले बच्चे भी हैं, तो बाहर की दुनिया की तो फिर बात ही नहीं। बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, तो बच्चों की समझ से परे है, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। सोलह हजार 108 वस्त्र थोड़े बताए गए, ये बताया गया रहान नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। ऐसे नहीं थे रावण की राज्य में 16,000 ही वस्त्र थे, नहीं, राज परिवार में प्रजा परिवार में जो भी थे वो सारे ही उसकी पूछ से बांध दिए गए, सारे ही बंध गए, सारे ही बंध गए, और फिर जितना जितना वो वस्त्र बांधते जाते थे, माने जितनी जितनी देहधारी आत्माएं उनकी पूछ से लिपटती जाती थी, पूछ माने देह अभिमान की पूछ, और जितनी जितनी लिपटती जाती थी वो पूछ उतनी ही लंबी होती जाती थी। फिर खेल शुरू हुआ, आग लगाई गई, कौन सी आग लगाई गई होगी, हैं? काम विकार की जो आग लगी तो सारे ही कपड़े जल गए और पूछ को कुछ नहीं हुआ, पूछ ज्यों की त्यों बनी रही, बाद में पूछ को ला करके सागर में ठंडा कर लिया। सारे देवान
सारे कपड़ों का देवान जल गया, आत्म बची। कोई चीज अति में जाती है तो क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तुम बच्चे अति नहीं कर सकेंगे, वो काम किसे करना पड़ता है? बाप को ही करना पड़ता है। चार शक्ति, आठ शक्ति नहीं। अच्छा, इस दुनिया की कमी क्यों रह जाए? हाँ, संबंध की शक्ति नहीं है। जो भी हमारे संबंधी हैं, उन संबंधियों की बुद्धि को हम इस तरह मोड़ दें कि वो भी ईश्वरीय सेवा में लग जाए, तो संबंधियों की शक्ति लग गई। और भागवत कहती जो काम किसी तरीके से संभव न हो वो अमृत वेले की याद से संभव हो जाएगा। खास अमृत वेले सर्च लाइट देंगे तो उनका हिसाब किताब जितना है वो पूरा हो करके चेंज हो जाएंगे। और जो से बोलेंगे भाई लोग भी सुने। हाँ जी, छत्तीस में चार सौ कोई ब्रह्मा कुमार ज्यादा बैठे होंगे इसलिए बोल दिया होगा उनको खुश करने के लिए। क्या सन 36 में ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव की प्रवेशता हुई? ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने सिद्ध किया है। क्या कि बाबा को साक्षात्कार हुए? शिवो हम ऐसे किताबों में लिख दिया है। तो कोई ब्रह्मा कुमार दो चार बैठे होंगे उनके सामने उनको खुश करने के लिए बोल दिया। बाकी ऐसे नहीं है कि सन 36 में ब्रह्मा में प्रवेश कर लिया। सन 36 में ब्रह्मा ने प्रवेश किया तो सन 76 में ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जानी चाहिए, फिर ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हो जाना चाहिए। ब्रह्मा की आत्मा तो बच्चा है कैश रूपी वृक्ष में या बाप है? बच्चा है, वो कहले कैसे संपन्न बन जाएगा? पहले तो बाप संपन्न बने। और मुरली कब से निकलती चली आई है ब्रह्मा के मुख से? जब कराची से मुरली निकलती चली आई है, उससे पहले मुरली नहीं चलाते थे। तो मुरली जब से चलाई तब से ही साबित होता है ब्रह्मा में शिव का प्रवेश, या उससे पहले साबित होता है? उससे पहले तो पीयू की वाणी प्रसिद्ध थी, वो पीयू की वाणी सारी जमीन में दफन कर दी और बच्चे की वाणी प्रत्यक्ष हो गई। ये तो साबित ही नहीं होता कि सन 76 में शिव ने आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया।
प्रवेशता की पहचान है मुरली, किस लिए प्रवेश करते हैं? ज्ञान देने के लिए। पतितों को पावन बाद में बना रहे हैं, पहले पहचान तो मिले, पहले पहचान मिले, जब पहचान पक्की हो जाए तब फिर पतितों को पावन बनाए, या जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पावन बनाने लगे। में पहले साक्षात्कार होगा कि अब बच्चा होने वाला है, तो साक्षात्कार तो बाबा ने भक्ति मार्ग से कहा है ना, साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग, देवताएं भगत ही तो होते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग से होते हैं देवताएं जो है वो क्या होते हैं, उन्होंने शूटिंग कहाँ की देवता बनने की? संगम में जब ज्ञानी होते हैं तब भक्त नहीं होते, और जब भक्त नहीं होते हैं तो ज्ञान उड़ जाता है। सत्युग में वास्तव में तो ना भक्ति होती है और ना ज्ञान होता है, लेकिन उनको ये पहचान हो जाती है पहले से कि अब बच्चा पैदा होने वाला है, हमको शरीर, अब शरीर छोड़ना, हमारा काम खत्म हुआ, नया शरीर लेना। और दूसरे बोला है भक्ति याद ही हमारा विज्ञान है। अभी जो कान में मोबाइल लगाना पड़ रहा है, हमारी याद अभी संपन्न नहीं है, इसलिए जिन आत्माओं से हम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं बुद्धियों का, वो बुद्धियों का कनेक्शन का जवाब हमको नहीं मिलता है। जब संपन्न स्टेज हो जाएगी आत्म की स्थिति की, तो हमारी आत्मा जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन करेगी उस आत्मा से हमको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठे बैठे दूर बैठी हुई आत्मा से भी संपर्क कर सकेंगे, यह है साइलेंस की पावर। अगर पतित आत्माएं पावन दुनिया में प्रवेश करती रहेंगी तो वहाँ प्रदूषण फैलाएंगी या नहीं फैलाएंगे? फैलाएंगी, वहाँ भी प्रदूषण फैलाएंगी, इसलिए ऐसी दुनिया चाहिए उनके लिए जहाँ उनको संग का रंग न लगे। तो नई दुनिया में सब पावन होंगे और पतित दुनिया में सब पापा तो थोड़े बचेंगे। ये बताया कि जब विनाश होगा ना, तो उस समय विनाश होने से पहले इस दुनिया में देखने में आवेगा कि पाप आत्माओं की लिस्ट कौन कौन सी है और पुण्य आत्माओं की लिस्ट कौन कौन सी है, प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबके चेहरे ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राइट ईयर कौन है और लेफ्ट ईयर कौन है? राइट ईयर को लेफ्ट ईयर का संग लगता है, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। वास्तव में ओरिजिनली वो लेफ्टिस्ट थे नहीं, लेकिन संग के रंग में आकर के लेफ्टिस्ट बन जाते हैं। बाबा जो पापात में होते हैं उनका स्थान और संगठन अलग और उनका अलग ऐसा होता है या अभी तो मिक्स है? अभी तो सारी दुनिया पापात्मा है, लेकिन ओरिजिनली पापात्मा कौन थे और ओरिजिनली पुण्य आत्मा कौन थे? तो जो ओरिजिनली पुण्य आत्माएं थे वो ईश्वरीय ज्ञान से अलग हो जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे कि असली पुण्यात्मा है, और इनको कितना भी ज्ञान दो तो भी कुत्ते की पूछ टेढ़ी भी टेढ़ी निकलेगी, इनके ऊपर ज्ञान का असर होने वाला नहीं है। संग का रंग लगता है, ऐसे काम करता है। तो अभी तो ईश्वर आ गया ना, अभी तो ईश्वर आ गया, तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि ईश्वर का पार्ट कौन सा है, पक्का बैठ जाएगा, तो ईश्वर का संग लेंगे, आखिरी संग को त्यागने की कोशिश करेंगे। देवान तो नहीं होता ना, उनका प्रश्न यह है कि जब विनाश होगा तो विनाश होने से पहले
आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे, देखने में आवेंगे कि पुण्यात्माओं की लिस्ट कौन सी है और पापात्माओं की लिस्ट कौन सी है। हाँ सत्यगुरु क्या कोई आधे पुण्यात्मा नहीं, नहीं नहीं, विनाश होने से पहले की बात बताई, जब विनाश होगा तब, विनाश होने के बाद नहीं। हाँ तो सब पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा होंगे, पापात्मा कोई होगा ही नहीं। नहीं लेकिन ऐसा ही कहा कि जब सत्युग की स्थापना होगी तो छोटे खंड में होगी, उसके वक्त ये जो स्थूल दुनिया है बड़ी दुनिया, हाँ बड़ी दुनिया वो भी चलती रहेगी रहेगी, तो फिर दोनों साथ में रहेंगे ना। साथ में कहाँ, वो अलग हो गई, वहाँ कोई पापाचारी प्रवेश कर न सके। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, तो ये कहाँ रही। फिर उनके संपर्क में जो पुण्यात्मा है वो उसी क्षेत्र में घूमेंगे, आप आत्माओं की दुनिया ही अलग रहेगी और पुण्यात्माओं की दुनिया अलग हो जाएगी। लेकिन इसी दुनिया इसी धरती पर रहेगा, हाँ जब तक पूरा टोटल विनाश न हो तब तक। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, और वो सैंपल कराची में दिखाया, सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियों से रंग रहा था, और जो कराची के बंगले में रहे पड़े थे वो बड़े आराम से थे, उन्हें हवा भी नहीं लगी, काई की हवा नहीं लगी, हाँ जो खून की नदियां बह रही थी उसका उनको पता ही नहीं चला। और आश्चर्य में से आठों नई दुनिया में आना जाना कर रहे क्या? हाँ ठीक है, आठों कर रहे क्या? तीन जोधपुर वाले हैं, तीन जो जोधपुर वाले हैं जिनके अंदर ही अंदर युद्ध चल रहे हैं वो भी आना जाना कर रहे क्या? हाँ मतलब तो आठों स्टेज ही है बाबा, युद्ध की स्टेज में है, मैंने फाइनल होना है। कि हमारा पार्ट क्या है, किस स्टेज में है? आठों नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं जिधर गुप्त संगठन तैयार हो रहा है। इसे पूछने क्या दरकार, जो बाबा ने बोला है तो पक्का ही है। अव्यक्त वाणी में जो बोला नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो दो चार से बोला है, चार को छोड़ दिया क्या? बुद्धि से तो पूछने की क्या, बुद्धि से तो सभी आना जाना कर रहे हैं। जो दो तीन साल से जो अव्यक्त वाणियां चल रही है वो खास किसके लिए चल रही है, ध्यान से पढ़ो तो पता चल जाएगा, उन्हीं के लिए चल रही है, और किसी के लिए उतना लागू ही नहीं होती। तो जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं से पूछा, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है, तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, मन कोई कम करते होंगे कोई ज्यादा करते होंगे लेकिन आना जाना करने वाले हैं। बाबा नौ धर्म है, नौ धर्मों में भी अष्टावक्रों की 108 की माला है और उसमें भी अष्टावक्र है हर एक धर्म में, तो जब आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे उसी के मुताबिक उन धर्मों में भी ऐसे नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे है? उन धर्मों में भी पहला दूसरा तीसरा एक ही साथ में हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे नंबर शिक्षा कैसे हो जाएंगे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचेगा तो टाइम लगेगा ना। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो बाद में तो आएंगे कि इसी क्रम से वहाँ भी होगा क्या है? उनकी जो जो पहला मुखिया होगा, पहला मुखिया तो वही होगा जो पहला संगठन बनाएगा, लेकिन वो तो पहले देवी देवी देवता धर्म के
जो मुखिया आठ है ये तो सब कम होने वाले हैं, कम प्रभावशाली रहेंगे। तो पूर्वज है, पूर्वज है तो पूर्वज तो सबसे पहले ही होंगे ना, जिनको टाइटल ही मिल गया पूर्वज का तो वो हर धर्म के पहले ही होंगे ना, शुरुआत में ही होंगे ना, बीच में कैसे होंगे। आठ जो सजा नहीं खाएंगे तो वो सूर्यवंशी ही होंगे या कोई दूसरे वंश से होंगे, सूर्यवंशी ही होंगे। कुमार ध्रुव गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वो परीक्षा लेंगे। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे की कहा तक विचार पर विधि बने हैं, अभी सोच रहे हैं कौन से सीआईडी आएंगे, कौन से सीआईडी अभी सोच रहे हैं कौन से सीआईडी आएंगे, कौन से सीआईडी आएंगे, यज्ञ के अंदर से ही आएंगे कि बाहर से आएंगे है? एक मुर्गे ने बोला है का बांदीरी माता सबसे ज्यादा याद करेगी है, करे जी क्या करती है, अष्टदेव से भी ज्यादा है, अष्टदेव में भी आ सकती है बांदीरी माता, बांदीरी माता है सबसे याद ही करेंगी या सेवा का भी स्टाफ होना चाहिए, अष्टदेव में आने के लिए सिर्फ याद से ही काम चलेगा या सेवा का स्टाफ भी होना चाहिए, जो नंबर बनेंगे वो सेवा के आधार पर बनेंगे या सिर्फ याद के आधार पर बन जाएंगे, याद के आधार पर भी अगर बनेंगे तो याद का प्रत्यक्ष रिजल्ट देखने में आना चाहिए क्या। हाँ। जैसे योग बल से विष्णु की बात कही गाई हुई है, सेवा के बल से नहीं गाई हुई है, ज्ञान बल से नहीं गाई हुई है, धारणा बल से नहीं गाई हुई है, कैसे गाई, योग बल से विष्णु की बात कही गाई हुई है। तो योग बल में मनसा इतनी तीखी एकाग्र होनी चाहिए कि आत्माएं स्वतः ही आकर के ठिकाने पर लगे, जैसे लाइट हाउस होता है तो जो जहाज होते हैं समुद्री उन जहाजों को ठिकाने लगाता है, तो साबित होगा कि हाँ बहुत सेवा हो रही है लाइट हाउस से। तो ऐसे ही कोई कोई बांधी माता है भी ऐसी ढेर सारी आत्माओं को निकाल रही है। मुरली तो बताया कि कराची से निकलती चली आई है, 36 में तो बंगाल में कलकत्ते से शुरुआत हुई और वहाँ से उठ करके सिंध हैदराबाद में शुरुआत हुई, तो सिंध हैदराबाद तक जो काम चलता रहा वो तो 8-10 वर्ष का कार्य था, उसके बाद कराची में जब आए हैं तब से मुरली निकलना शुरू हुई, वो ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलना शुरू हुई उसको मुरली कहा गया, मुरली तो कृष्ण के मुख से ही गाई हुई है, वास्तव में मुख कृष्ण का है लेकिन चलाने वाला कौन है, शिव बाबा, तो शिव बाबा की मुरली है या कृष्ण की मुरली है, शिव बाबा की मुरली है, लेकिन मुरली नाम इसे क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि जो भी भाषा बोली गई है वो बहुत मिठास भरी हुई भाषा है, कड़क भाषा नहीं है, जो भी सुनने वाले हैं उनको उस भाषा में बहुत मिठास प्यार भरा हुआ अनुभव होता रहा, इसलिए उसका नाम मुरली रखा गया, नहीं तो नगाड़ा रख देते। नौ दिन की भट्टी नहीं होती, भट्टी तो मुरली में 7 दिन की ही बोली है, लेकिन जिस दिन जाते हैं
उस दिन भी वो ज्ञान की ही बातें बुद्धि में रहती हैं, और जब लौट के आते हैं तो भी जो सात दिन सीखा है वो ही बुद्धि में चलता रहता है, इसलिए नौ दिन की भट्टी जाएगी। हाँ, तो जैसे नौ महीने पेट में बच्चा पकता है, पैदा होता है, फिर जिस घर में पैदा होता है उस घर के बाप का बच्चा कहा जाता है, ऐसे ये भी बेहद की नौ दिन की भट्टी है। दूसरी तरफ से जो बेसिक है वहाँ से बुद्धि वो टूटता है, मन बुद्धि उखड़ जाती है और वहाँ जाकर के जम जाती है। तो जहाँ बुद्धि निश्चय बुद्धि बने वही जैसे बाप का बच्चा बन गया, अनिश्चय बुद्धि जहाँ से बने वहाँ से जैसे मृत्यु हो गई। तो एक तरफ एक परिवार से मृत्यु और दूसरी तरफ दूसरे परिवार से जन्म हो जाते हैं। अपना अपना अनुभव देखें कि जब एडवांस में आए थे तो बेसिक से बुद्धियों को टूटा या नहीं टूटा? टूटा। तो अनिश्चय बुद्धि हो गई वहां से, मने मृत्यु हो गई, और जिस नई दुनिया में आकर के जन्म हुआ वहां जीवन मिल गया, जीवदान मिल गया। हाँ, रहने दी, बीच में अगर टूट गई तो विधर्मी आत्मा साबित हो जाएंगे। तो पूरा हुआ है, सात दिन में रह गए, सात दिन नहीं रहे, बीच में छह दिन में ही चले गए, पाँच दिन में चले गए, तो विधर्मी आत्मा साबित हो गए। उनकी भट्टी जो है वो अधूरी रह गई, पकी नहीं थी, ईंट कच्ची रह गई। लेकिन ये तो गुरु जाने, गुरु की गोत्री जाने, हम क्या जाने, पोता मिल लेने वाला जाने, पोता मिल लेने वाला जाने। जाते समय बच्चे को जाते समय आगरा मथुरा घूमते घूमते जाते है ना, आगरा घूमते हुए जाते हैं। कोई शूटिंग कैसे होती है नौ दिन की? ऐसे तो यही बताया जाता है कि भट्टी करने से पहले घूम घाम के मत आओ। लेकिन कोई तो अगर पहले घूम घाम के आएंगे तो पहले से ही बुद्धि में वो ही बात याद आती रहेगी, फाउंडेशन पड़ गया। जो आने वाले हैं तो जो आत्मा जहाँ जाती है जिस परिवार में जन्म लेना है वहीं की बात स्मृति में आनी चाहिए, ये तो गलत फाउंडेशन हो गया। बल्कि होना तो ये चाहिए कि भट्टी करने के बाद भी घूमने फिरने की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अगर घूमने फिरने की बात बुद्धि में आती है तो भूत का भूत ही रह गया, ज्ञान का असर हुआ ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण की पढ़ाई है, राधा कृष्ण की पढ़ाई जाती है, उनके माँ बाप की पढ़ाई कम है। कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं आप? आप आपकी बुद्धि में कौन से राधा कृष्ण की पढ़ाई जाती है? दिग्गज के पुस्तक में। हाँ, उन्हें पुस्तक की बात छोड़ो, आपकी बुद्धि में कौन से कृष्ण की, राधा कृष्ण की पढ़ाई जाती देखने में आ रही है? सतयुग के कृष्ण की या संगम की कृष्ण की? तो संगम की कृष्ण की जो पढ़ाई जाती देखने में आ रही है, इसका मतलब संगम की कृष्ण को प्रत्यक्ष करने वाले कोई होंगे भी? जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं वो जन्म देने वाले हुए, बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप कहे जाते हैं ना, माँ बाप ही तो बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं, पहले गुप्त था बच्चा बाद में प्रत्यक्ष हुआ। तो ऐसे ही जो संगम भी कृष्ण को जन्म देने वाले हैं वो विकारी के विकारी ही रह गए, कम पढ़ाई पढ़ पाई, और कृष्ण ने पढ़ाई पूरी पढ़ी, इसलिए कृष्ण की महिमा जाती है और जन्म देने वालों की महिमा उतनी नहीं है, वो जेल के जेल में ही रह गए। क्या नाम देते हैं शास्त्रों? वसुदेव और देवकी। बाबा, अमृत लेने उस
हाँ जागना चाहिए, नींद खुलती नहीं, अलार्म लगा दो है? बाबा से कह कर के सो, बाबा हमें सुबह को उठा देना है, ऐसी याद में सो जा तो बाबा उठाएंगे। बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि ध्रुव तारा जो है उसके आसपास ही कई सप्तऋषि होते हैं। बाबा ये अभी संगम युग की शूटिंग पीरियड में अभी तो अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो बाबा के साथ में है तो शूटिंग कैसे होती है? अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, एक दो तो प्रत्यक्ष हो रहा होगा है? वो सप्तऋषि होते हैं तो सवेरे को एक साथ सब नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, रात शुरू होती है तो भी सप्तऋषि एक साथ प्रत्यक्ष नहीं होते, रात गहरी होने लगती है या सवेरा समाप्त होने लगता है तो वो तारे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही है यहाँ भी, सप्तऋषि जो है धीरे धीरे ही प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन अव्यक्तवाणी में बोला है कि अभी जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता होगी। क्या ऐसे नहीं कि जैसे त्रिमूर्ति के लिए बोला तो प्रत्यक्ष होने में त्रिमूर्ति को 20 साल लग गए, ऐसे टाइम नहीं लगेगा, अभी जल्दी जल्दी ऐसे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राजराजेश्वरी, राजराजेश्वरी है संपन्न पुरुषार्थ और ज्ञान ज्ञानेश्वरी है पुरुषार्थी जीवन। चलो हो गया।
जो सतयुग का पहला जन्म होगा उसमें ही राधा कृष्ण की दृष्टि में डूबेगी और कृष्ण राधा की दृष्टि में डूबेगा। तो आंख जो है वो देह का अंग नहीं है क्या? तो अंग का सुख होगा, आत्मिक स्थिति तो रहेगी लेकिन कुछ परसेंटेज में देह का सुख होगा ना, इसलिए नीचे गिरना होगा। यानी चित्र है कि राधा कृष्ण दृष्टि मिला रहा है लेकिन कृष्ण का हाथ राधा की इस तरफ है। राधा का हाथ कृष्ण के हाथ में है। हाँ अरे वो बुद्धि रूपी हाथ दिखाया गया है, सो भूल गए। और तुमने सोचा हम भी ऐसे ही करेंगे? कैसे सृष्टि हुआ, कैसे हुआ आत्मा, कैसे हुआ आत्मा, कैसे हुई आत्मा, कैसे पैदा हुई और सृष्टि कैसे पैदा हुई, कहाँ पहुँच गए घूम घाम के? आत्मा को भी अविनाशी कहा जाता है और पांच तत्वों को भी अविनाशी कहा जाता है, लेकिन आत्मा भी चेंज होती रहती है, कभी सतो प्रधान, कभी सतो सामान्य, कभी रजो और तमो। और इस सज्जी के पांच तत्व भी परिवर्तन होते रहते हैं, कभी सतो प्रधान, कभी सतो सामान्य, रजो और तमो। न आत्मा कभी खत्म, न परमात्मा कभी खत्म, और न ये सृष्टि कभी खत्म होती है। अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल से ऐसी ही बनी रहेगी। रूप परिवर्तन होता है। और एक मुझे कहा ये जल बीच में प्राण है, ऐसा भी मूल्य में कहा है, तो वो बीचों में वो परमात्मा में चले जाएंगे, वृक्षो जल सब ऊपर से धीरे धीरे अभा उतरेंगे, ऐसा बोला है। नया दुनिया जब होगा धीरे धीरे, हम बेसिकली में सुना जो भी आत्माएं हैं उनमें मनुष्य आत्माएं सबसे ज्यादा चैतन्य है। मनुष्य आत्मा के मुकाबले और जो प्राणी हैं जड़त्वमयी वृद्धि वाले हैं। इसी प्रकार जो पौधे हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु हैं, वो नंबरवार चित शक्ति वाले हैं। किन्ही में चित शक्ति ज्यादा है और किन्ही में कम है। तो जिनमें जितनी जास्ती बौद्धिक शक्ति है, विनाश होने के बाद वो पृथ्वी से उतने ही दूर के वातावरण में रहेंगे, और जितनी चित शक्ति कम होगी माने बौद्धिक शक्ति कम होगी जैसे पेड़ पौधे, तो उतने ही पृथ्वी के नजदीक नजदीक रहेंगे, नजदीकी वातावरण में रहेंगे परम धाम में। तो एक आत्मा है तो उसका गांव जो कलम लगाई जाती है, आत्मा आत्मा की कलम नहीं लगती है, आत्मा नहीं कटती है, वो कलम लगाई जाती है। जैसे एंग्लो इंडियन होता है
इंडियन माता है और अंग्रेज पुरुष है, तो बच्चे की पैदाइश नए तरीके की हो जाएगी। ऐसे ही पेड़ पौधों का भी ऐसे ही है। और जाने वालों को तो रोकना ही नहीं है। बात करना है, इतने लोग कैसे बात करेंगे? कन्याओं को बात करना है। आत्मा नहीं होता, आत्मा होती है, होती नहीं है तो जब जड़ काटी जाती है तो कुमलाने कैसे लगता है? पत्ते पत्ते क्यों लटकने लगते हैं? कोई पेड़ की एक तरफ की जड़ काट दो तो सारे पेड़ के पत्ते नहीं मुरझाएंगे, कोई एक तरफ के पत्ते मुरझाने लगते हैं। काटा तो नीचे है, ऊपर क्यों पहुंच गया? जड़ तुम्हारी आत्मा होती है, चेतन शक्ति कम है लेकिन है। वो पूछा ना भाई ने अभी, अभी भाई ने पूछा यही बात। हाँ जी, आत्मा चलाता है, आत्मा नहीं चली जाती है। मेर मिखो में तो फिर आत्मा होता है जंत में, और जो डाली काटा जाता है उसको फिर आत्मा नहीं चली जाती है। जो जड़ लगी हुई है, जहाँ जड़ लगी हुई है वो जड़ में ही आत्मा है। जो ऊपर की कलम काट के लगाई गई है उसमें तो सिर्फ परिवर्तन होता है। ऐसा कोई केस है जिससे कोई डाली काट के बैठा है तो वो बच जाता है, वो मरता नहीं, उसमें तापा होगा ना? बताया ना, जहाँ जड़ लगी हुई है, जड़ लगी हुई है वो आत्मा है, उसमें आत्मा है। और जिसकी डाली ऊपर से काट ली गई और काटने के बाद तुरंत दूसरे में लगा दी गई तो वो परिवर्तन होता है। हाँ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी डाली ही काट करके जमीन में गाड़ दी जाती है, वो जड़ें पकड़ लेता है, जड़ पकड़ लेता है। जैसे कि ये सफेदा यूकलिप्टस, हाँ जी, उसमें जीवन शक्ति ज्यादा होती है, थोड़े समय तक रहती है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़े समय तो नहीं पैदा होगा। हाँ जी बाबा, जो इनर्ट जो मटेरियल है, इनर्ट उसमें तो वैज्ञानिक तो आविष्कार किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसमें तो कोई भी बोल सकते जो प्राण बुरा है ये आविष्कार किया, जो बुरा प्राण है तो इनर्ट तो है, पूरा ज्ञान तो है ना, कहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा है तीन पदार्थ। हाँ जी, वो आत्मा नहीं है। दर्द नहीं होता तो ऊपर के पत्ते कैसे कुमला जाते हैं? है जब बदल करते हैं ना, कितना जन्म होगा का? जैसे जैसे धर्म की क्षीणता है, जो धर्म जितना पुराना है उतना जास्ती जन्म देने वाला है, जास्ती आयु वाला, और जो जितना नया है उतना कम जन्म देने वाला। हाँ।
बादल करते हैं सात रंग कैसे दिनों दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि राम तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ने से वो रंग बदल जाता है, ऐसे नहीं कि वो राम का धनुष है। बरसात होती है तो ये संगम में भी ज्ञान की बरसात होती है, जब ज्ञान की बरसात पूरी होती है तो राम का धनुष सबको प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये राम का पुरुषार्थ रूपी धनुष है, ये सात रंगों वाला है, सप्तरंगी धनुष। माने दुनिया के जो भी धर्म हैं उन सब धर्मों के सब गुण उस धनुष में समाये हुए, सारी शक्तियां उसमें समाई हुई। टाइम हो गया।